एक बार की बात है, एक गांव में कमलाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास बहुत सारा पैसा होते हुए भी वो किसी की मदद नहीं करती थी। उसके कंजूस होने की वजह से सब उसकी उपेक्षा करते थे। कमलाबाई उसके पास जितना भी पैसा और सोना था उसे एक बर्तन में रखकर अपने घर के बीच में गाड़ रखा था। वो उस पर एक पुरानी चटाई बिछाकर सोती थी। एक दिन एक साधु गांव में आया। कमलाबाई के बारे में कुछ ना जानते हुए वो उसके घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। साधु को देखा तो कमलाबाई ने सोचा कि वो उसके घर उसे लूटने आया है, तो उसने उठाया एक बड़ा सा डंडा और उसके सर पे दे मारा। अरे बदमाश, अभी भी मेरे पेड़ के नीचे बैठेगा? तेरी ऐसी हिम्मत? तुरंत वो साधु उठा और अपनी चीजें लेकर भाग गया। फिर उसने गांव के लोगों से कमलाबाई के बारे में पता किया। वो कमलाबाई, वो तो बहुत कंजूस है, किसी की मदद नहीं करती। बुढ़िया के पास पैसा बहुत है लेकिन देती किसी को नहीं। कमलाबाई दान दक्षिणा कुछ नहीं करती। सबसे एक जैसी बात सुनकर साधु को कमलाबाई पर दया आई और उसने उसे बदलने की सोची। उस दिन आधी रात को कमलाबाई के घर के सामने एक अनोखी घटना हुई। कोई एक काला मुखौटा पहने अपने सर पर 9 घड़े रखकर अजीब सा नाच रहा था। जब कमलाबाई ने पायल के घुंघरुओं की आवाज सुनी तो उसने एक बड़ा सा डंडा हाथ में लेकर घर का दरवाजा खोला। एक भूतनी को घर के सामने नाचते देखकर कमलाबाई डर गई। तुरंत वो अपने घर में घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने खिड़की से बाहर झांका। भूत के सर पर 9 घड़े थे और सबसे ऊपर के घड़े में आग जल रही थी। कुछ देर नाचने के बाद भूत ने सबसे ऊपर वाले घड़े को दिए के साथ जमीन पे फेंक दिया और बचे हुए 8 घड़ों के साथ गायब हो गया। जब कमलाबाई बाहर आई तो उसे घड़े के टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं मिला। तब कमलाबाई डर गई। मेरे घर में भूत आया था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्योंकि कमलाबाई को कोई पसंद नहीं करता था, किसी ने उसके चिल्लाने की फिक्र नहीं की। एक भूत मेरे घर के आगे नाच रहा था, इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। रात में कमलाबाई घर के अंदर एक बड़ा सा डंडा पकड़कर खड़ी हो गई। आधी रात होते ही उसने फिर से घुंघरुओं की आवाज सुनी। जब उसने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो उसे भूत के सर पर 8 घड़े दिखे। 8वें घड़े में आग जल रही थी। कुछ समय नाचने के बाद भूतनी ने सबसे ऊपर का घड़ा फेंक दिया और बचे 7 घड़ों के साथ गायब हो गई। हर दिन भूतनी आधी रात आती, कुछ देर नाचती रहती और फिर सबसे ऊपर का घड़ा तोड़कर बाकी घड़ों के साथ गायब हो जाती। ऐसा रोज रोज जब होने लगा तो कमलाबाई डर गई और इससे छुटकारा पाने के लिए जादूगर भैरों के पास गई। हर रात एक भूत आकर मेरे घर के सामने नाच रहा है, मुझे उससे बचाइए। तुम जैसी कंजूस औरत की मदद कभी नहीं। भूतनी की नाच से मैं बहुत परेशान हूँ, आप ही मदद करें। क्या तुम किसी की मदद करती हो? तुम्हारी मदद कौन करेगा? उसने अपने घर के सामने चौराहे पर पेड़ के नीचे उसी साधु को देखा। वो तुरंत उसके पास गई और कहा, साधु महाराज, जब आप मेरे घर के सामने बैठकर ध्यान कर रहे थे तो मैंने चोर है समझकर आपको बहुत पीटा, मुझे माफ कर दीजिए। साधु मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अब तुम क्या चाहती हो? साधु महाराज, हर दिन एक भूतनी आधी रात अपने सर पर घड़े रख कर मेरे घर के सामने नाचती है। वो हर दिन एक घड़ा फोड़ रही है। फिलहाल उसके सर पर 5 घड़े हैं। इसकी वजह न जानकर मैं पागल सी हो रही हूँ। आपको मुझे उस भूत से बचाना होगा। साधु ने सोचा और नहीं में सर हिलाने लगा। कोई उपाय नहीं कमलाबाई,
तुम्हारे आखिरी दिन आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतों का सरदार उन्हें छोड़कर कहीं चला गया है। इस वजह से सारे भूत निसहाय हो गए हैं। समूह छोड़ते वक्त भूतों के सरदार ने उनसे कहा कि तुम उनकी सरदार बनने योग्य हो, इसलिए वो भूत तुमको अपने साथ ले जाने की कोशिश में हैं। अगर तुम बहुत समय जीवित रही तो ये कैसे मुमकिन होगा, इसीलिए वो अलग अलग तरीकों से तुम्हें ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बचे हुए 5 घड़े फूट जाएंगे तुम मर जाओगी। हे ईश्वर, आपको मुझे उनसे बचाना होगा। मैं अपनी सारी जमा पूंजी आपको दे दूंगी, कृपया कुछ कीजिए। ठीक है, आज से तुम श्रद्धा पूर्वक धर्म पूजा, दान, सहायता और दूसरी अच्छी चीजें करना शुरू करो, बाकी मैं देखता हूँ। उस दिन से कमलाबाई ने दान देने का निश्चय किया। जब वो लोगों को दान देने पहुंची तो किसी ने उससे कुछ नहीं लिया। लोग उससे दूर जाने लगे, यहाँ तक कि कुत्तों और कौओं ने भी उसके डाले खाने को नहीं छुआ। और उस रात कमलाबाई के घर के आगे एक और घड़ा फूट गया। अगली सुबह कमलाबाई साधु के पास गई। साधु महाराज, मैं मृत्यु से नहीं बच पाऊंगी, कोई मेरा दान नहीं ले रहा। जो खाना मैं देती हूँ उसे कुत्ते और कौवे तक नहीं छूते। हाँ, क्योंकि तुमने ये धन लोगों की उपेक्षा करके अमानवीय ढंग से इकट्ठा किया है। पशु पक्षियों को भी इसकी खबर है, इसीलिए अब अपना पैसा मंदिर बनवाने, कुएं खुदवाने, अनाथालय बनवाने में खर्च करो। अगर तुम ये अच्छे काम करोगी तो सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं अच्छा नाम भी कमाओगी। साधु महाराज, कृपया आप ये सारी चीजें करें और मेरी मदद करें। अगर मैं करूंगी तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। फिर कमलाबाई ने अपना सारा पैसा उस साधु को दे दिया। उस पैसे से साधु ने कई अच्छे काम किए। तब से कमलाबाई को न सिर्फ भूतों से छुटकारा मिल गया बल्कि उसका अच्छा नाम भी हो गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यही कि जिंदगी जीना दूसरों की मदद करना है। हाय बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया? और ज्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और ट्विटर में हमें आकर मिलिए। बाय बाय।